हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि देख सकते हैं, मेरे पास आज रेडमी 5A है। तो इसमें जो है कि MI अकाउंट लॉक लगा है, तो आज मैं इसे अनलॉक करके खाऊंगा। तो इसका जो MI अकाउंट है, तो कस्टमर भूल चुके हैं और उनके पास इसका सिम भी नहीं है, नहीं तो हम इसके फॉरगेट पासवर्ड करके इसका अनलॉक कर देते। तो आज हम इसे दिखाएँगे कि कैसे आप लोग PC से इसे अनलॉक करेंगे। तो आप लोग भी इसे जल्दी अनलॉक नहीं कर सकते। तो मैं आज यहाँ पर इसमें सिम ट्रे इसको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो इसका जो सिम ट्रे पहले निकाल लेना है आपको, और फिर इसके जो है कि बैक पैनल को ओपन करना है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी इसी चैनल पे, तो 5A के ऊपर, तो वो भी सेम प्रोसेस से है, तो वो भी देख सकते हैं। और जो लोग को प्रॉब्लम हो रहा है 5A का जो है MI अकाउंट कोई भी भूल जाते हैं, तो उसे आप लोग कैसे करेंगे। तो इसका बैक पैनल मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर कुछ स्क्रूप दी गई है ऊपर के साइड में, तो इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रूप ड्राइवर की हेल्प से इसे ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्क्रू ड्राइवर धीरे धीरे हम लोग खोल रहे हैं, तो इसे खोल लेते हैं और साइड में इसे रखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सब स्क्रू आप लोग को बारी बारी से निकाल लेना है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है मेरा लाइक करिएगा। तो मैं आप लोग के लिए इसी तरह का अनलॉकिंग वीडियो मोबाइल के ऊपर लाते रहता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे स्क्रू मैंने धीरे धीरे खोल लिए हैं, और इसके जो है बैक पैनल को उठा रहा हूँ और फिर इसके बाद यहाँ से इसे ऑन साइड में रखते हैं इसके पैनल को। यहाँ पे देख सकते हैं साइड में फ्रेंड दो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख जाती हैं, इसे आपको शॉर्ट कराना है और आपको बैटरी कनेक्टर को निकाल लेना है। और आपको जो है PC में मिरेकल टूल से आप लोग इसे करेंगे। तो आज मैं इसे मिरेकल टूल से आप लोग को करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम अपने PC में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना डेट टाइम को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मिरेकल टूल है उसका जो है डेट टाइम मैच नहीं होगा तो इससे नहीं खुलेगा। तो आप लोग को अपना जो है कि इस जो है कि ईयर को पीछे करना होगा, आपको 2016 या कुछ भी कर लेना होगा। तो आपका जो है कि हम इसे फिर से अब अपना जो है कि मिरेकल टूल ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे कर दिया, और आपको यहाँ पे क्वालकम और एग्जिस्ट वाले प्रोसेस पे आ जाना है और यहाँ पे आपको कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, और देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट कराया, फ़ोन ले लिया है, साइड में देख सकते हैं ड्राइवर भी ले लिया है। तो यहाँ पर MI अकाउंट पर क्लिक करके जैसा आपको 5A सेलेक्ट कर लेना है, और फिर इसके बाद यहाँ से आप लोग को फ्लैश कर देना है। तो देखिए हमारा फ़ोन फ्लैश हो चुका है, और हम इसके जो है डाटा केबल से निकालते हैं और ऑन करके देखते हैं कि इसमें से MI अकाउंट अनलॉक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसकी बैटरी कनेक्टर लगा दी है, और फिर इसे हम पावर की हेल्प से ऑन करते हैं। तो देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, बूटिंग हो रहा है। तो अब हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा, और थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो इसे हम वेट करते हैं और जल्दी से ऑन होने का वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बूटिंग हो चुका है फोन फ्रेंड, तो अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, तो जल्दी से बूट हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आप लोग के लिए इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो लाते रहता हूँ। तो इससे पहले मैंने MSM टूल के ऊपर, ओप्पो के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, जो है कि ऑफलाइन कैसे आप लोग अनलॉक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपना जो है इंडिया लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद यहाँ से स्क्रिप कर देना है इसे, और हमारा जो है कि MI अकाउंट और गूगल FRP भी सब निकल चुका है, फ़ोन अनलॉक हो चुका है। तो आप लोग इस तरह से काफ़ी इजीली से अपना फ़ोन बाईपास या जो है कि MI अकाउंट निकाल सकते हैं। और फ़ोन लॉक हो जाता है तो इस तरह से आप लोग अपना MI अकाउंट रीसेट कर सकते हैं और अपना जो है न्यू MI अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्लासिक वर्जन पर क्लिक करके सेटअप पर ओके करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है कि फ़ोन सेटअप हो जा रहा है, और काफ़ी इजी से प्रोसेस हो जाता है। आप लोग को शॉर्टिंग कराने के लिए किसी टूल का हेल्प कर लेना है, या एक चिमटी की मदद से दोनों पॉइंट को शॉर्ट करा देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे MI अकाउंट देख सकते हैं फ्रेंड नहीं है, और फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और काफ़ी अच्छे से हो चुका है। अबाउट पे आके देख सकते हैं, यहाँ पर 5A है इसका मॉडल नंबर। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें वर्किंग हैं, तो यहाँ से हम इसे लॉक कर देते हैं और फ़ोन को फिर से इसके जो है कि पैनल को लगा के इसका जो स्क्रू टाइट कर देंगे, और फिर से इसे फिक्स कर देंगे और बैठा देंगे। तो देखिए सारे पॉइंट सब अच्छे से बैठा दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे स्क्रू ड्राइवर हैं, तो स्क्रू को हम लोग काफ़ी अच्छे से इसे टाइट कर लेना है अपने जो है कि पैनल को। तो इसे हम सेट कर रहे हैं, और सारे स्क्रू को बारी बारी से आप लोग को जिस पॉइंट में लगाना है सब लगा दीजिए अच्छे से, और फिर उसके बाद फ़ोन के बैक पैनल को अच्छे से बैठा दीजिए। और भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट करिएगा, और कमेंट में बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा।
तो आप लोग को मिरेकल टूल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कैसे इस फ़ोन को अनलॉक करना है और Y2 या कोई भी मॉडल आपका MI अकाउंट लॉक हो जाता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बता दूंगा। नहीं तो मेरे चैनल पे आप लोग वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की हैं MI अकाउंट के ऊपर रीसेट कैसे करना है। यदि आपके पास सिम भी रहता है तो काफ़ी ईजिली से आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। और देखिए हमारा फ़ोन काफ़ी अच्छे से वर्किंग कर रहा है और वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है। और फ्रेंड चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।